हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं, सबका मैं अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन मिलने की तारीख बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि किस तारीख से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हम इसी पे कुछ चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर्स हैं, सब मतलब कि पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे पास फेसबुक के माध्यम से एक ऐसा कमेंट मिला है, एक ऐसा पत्र मिला है, ऐसा पोस्ट मिला है, जिससे उनके दिल के अंदर के दर्द को मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ये सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज्यादा इस पोस्ट को शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूं। आप लोगों ने जिस प्रकार से अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ अभी तक बनाए रखा है, उसी प्रकार से बनाए रहें। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन क्यों लेट हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस पेंशनर्स और उनके द्वारा फाइल किए गए केस के वकील महानुभाव से निवेदन है, यानी कि एक ईपीएस 95 पेंशनर किससे निवेदन कर रहा है, वकील से, कि हमारा क्या है, जो 8000 मूल वेतन पर ही मिल रही है, उनको जो पेंशन मिल रही है, वह वकील महानुभाव से निवेदन है कि हमारा जितना भी पैसा ईपीएफ में जमा है, यानी कि उनका जो पेमेंट है, जो उससे सीट से कटा हुआ है, यानी उनके वेज सीट से जो उनका पेमेंट कटा हुआ है, और जो ईपीएफ में जमा है, यानी कि पेंशन के रूप में जो जमा है, उसको वापस करवा दें। अब हमें भीख नहीं चाहिए और न ही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और वकील अपना और हमारा समय खराब कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उनमें से कुछ पेंशनरों को ऐसा लगने लगा है कि जो ईपीएस 95 पेंशन मिलना बाकी है, जो हमारा हक है, वो जो हमें मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम दर दर भटक रहे हैं। ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है जैसे वो अपना पेंशन, अपना हक नहीं बल्कि भीख मांग रहे हों सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से, शासन से, और अपने भीख के लिए गुहार लगा रहे हों वकीलों से, और वकील लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इनका हक है, इनकी इनका पैसा है, ये अपने पैसे के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें इन तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। तो इसमें से कुछ ईपीएस 95 पेंशनर्स ये बोल रहे हैं कि भाई, हमें हम जो ईपीएफओ ने हमारा पैसा जमा किया है वो हमें वापस करा दो, हमें भीख की जरूरत नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए, और ना ही हमें इस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और वकील अपना और हमारा समय दोनों का खराब कर रहे हैं। भीख नहीं चाहिए, हमें शांति से मरने दो, हमें भीख नहीं चाहिए, हमको शांति से मरने दो। भाई, इतना दिन तक हमने नौकरी किया, अपना पेट काट के, अपने सैलरी से कुछ पैसे बचा के, बच्चे के लिए शर्ट पैंट नहीं लाया, फीस नहीं भरी, लेकिन हर एक महीने हमने अपने वेज सीट से जो तो पेंशन अंशदान में पेंशन की रकम डाली है, अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन फिर भी मैंने पेंशन में अपने अपना जो तो हिस्सा उसमें डाला है, लेकिन आज जब मुझे पेंशन मिलना चाहिए उस टाइम पे पेंशन नहीं मिल रहा है, और अभी पेंशन लेना भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ। तो मुझे भीख नहीं चाहिए, अब हमें हमारा पैसा वापस कर दो, जो हमारा पैसा काटे हो, शांति से हमें मरने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, मोदी और ना ही सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही हमारे लिए जायज हैं। हम केस को अपने सिर पर रखे हुए नहीं मर सकते हैं, हमारा पैसा लौटा दो। बिल्कुल सही है, न जाने कितने ईपीएस 95 पेंशनर्स इस केस के चलते, केस की सुनवाई के चलते, या केस में हो रही सुनवाई को आधे में ही छोड़ के इस दुनिया से विदा ले चुके हैं। वो कहाँ चले गए और अब वो वापस लौट के नहीं आएंगे। अब चाहे तो ईपीएफओ या सुप्रीम कोर्ट कितना भी पेंशन बढ़ा दे, लेकिन जो इस दुनिया से वापस चले गए हैं, उनके लिए तो ये सब व्यर्थ है, उनके लिए इन सब का कोई औचित्य मूल्य नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई, मैं जो सुप्रीम कोर्ट और ये जो केस है, इसका बोझा अपने सर पे लेके नहीं मरना चाहता हूँ, हमें हमारा पैसा वापस कर दो और हम संतोष कर लेंगे, लेकिन ये सर पे अपने बोझा केस का लेके नहीं मरना चाहते हैं।